तुम कहते हो काम वासना पाप है। मेरे पास युवक आ जाते, वो कहते हैं बड़े बुरे विचार उठ रहे हैं। उनसे पूछा तुम मुझे कहो भी तो कौन से बुरे विचार, वो कहते हैं आपसे क्या कहना, आप सब समझते हैं बड़े बुरे विचार उठ रहे हैं। ये तुम्हारे साधु महात्माओं की कृपा है। जब पूछताछ करता हूं उनसे, बहुत खोदता हूं, तो वो कहते हैं कि स्त्रियों का विचार मन में आता है। इसमें क्या बुरा विचार उठ रहा है, तुम्हारे पिता के मन में नहीं आता, तुम कहां होते। इसमें बुरा कहां है, नैसर्गिक है। इससे पार हो जाना जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें बुरा कुछ भी नहीं, इसमें पाप कुछ भी नहीं है, यह प्राकृतिक है। इससे पार हो जाना जरूर महिमापूर्ण है, क्योंकि प्रकृति के पार जो हुआ उसकी महिमा होनी ही चाहिए। तो जो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाए उसकी महिमा है, जो ना उपलब्ध हो सके उसकी निंदा नहीं।